बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर क्लास एट, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग योर वर्क वेल। वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड टू यूनिट्स ऑफ आर जनरल साइंस बुक एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड यूनिट, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। दिस यूनिट इज़ अबाउट व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, मीन्स डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, role of biotechnology in our lives, DNA replication, relationship between DNA gene and chromosomes, introduction of gene into a bacterium. Biotechnology क्या है, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसा कि आम तौर पर हमारे घरों में योगर्ट बनाया जाता है, ये बहुत ही पुराना तरीका है घरों में योगर्ट बनाने का। इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, असल में योगर्ट बनने के अमल में कुछ मुफीद बैक्टीरिया काम करते हैं। यहाँ पे बेटा मैं आप लोगों को एक बात बताती जाऊँ कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि बैक्टीरिया तो ख़तरनाक होते हैं, इससे बीमारियां फैलती हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको बेनिफिशियल बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और उनसे हम बहुत काम लेते हैं। जैसे मेडिसन्स बनाने के लिए हमारी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फूड की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नेक्स्ट हम इसका रोल बायोटेक्नोलॉजी के रोल में मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो योगर्ट जब तैयार होती है तो इसमें कुछ मुफीद बैक्टीरिया काम करते हैं जिनको हम कहते हैं लैक्टोबेसिलस। अब ये जो लैक्टोबेसिलस बैक्टीरियाज हैं जो दही में मौजूद होते हैं, योगर्ट में मौजूद होते हैं, जब हम दूध को गर्म करते हैं और इसमें एक चम्मच योगर्ट शामिल करते हैं तो ये लैक्टोबेसिलस बैक्टीरियाज जो हैं ये डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, अपने जैसे मज़ीद बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक के पूरे का पूरा जो मिल्क है वो योगर्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी एग्ज़ाम्पल आपको मैंने दी बायोटेक्नोलॉजी की के। और बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अब इस्तेमाल में है। बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यू चीज़ें शामिल हो गई हैं। अब आपको जैसा कि आपके बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि जो लफ्ज़ है बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ बायो and the other is technology. Now what is bio? Bio means life, zindagi, and life means living organisms, jitne bhi living organisms hain. Ab chunke humne bacteria ki baat kar rahe hain to isme living organisms mein specifically bacteria ki baat hum karenge. Technology kya hai? Technology is the use of नॉलेज, टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ नॉलेज, और यू कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन मेडिसन्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। इट मीन्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन आ गई और वो डेफिनेशन अभी आई विल रिवाइज इट अगेन, दैट व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड
बेनिफिट मैनकाइंड। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग अहेड लेट्स रिकॉल सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी फ्रॉम आवर प्रीवियस यूनिट, फ्रॉम यूनिट नंबर 2। यहाँ पर बेटा एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये है कि इस यूनिट में आपको एक टर्मिनोलॉजी बार बार सुनने को मिलेगी, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? माइक्रो मीन्स स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मीन्स ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, इतनी छोटी चीज़ मीन्स माइक्रो, और ऑर्गेनिजम्स मीन आपको पता है जानदार चीज़ें। तो ऐसी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। बैक्टीरिया की जब हम बात करेंगे, अगर हम सिंगल बैक्टीरिया की बात करेंगे तो उसको हम बैक्टीरियम कहेंगे, और जब हम ज़्यादा की बात करते हैं तो उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी रोज़ाना की जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे हम ब्रेड खाते हैं, योगर्ट हमारे रोज़ाना खानों में इस्तेमाल होता है, चीज़ है, विनीगर है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसन्स हैं जिसको बनाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। वही बात मैं आप दोबारा रिपीट करूंगी कि आप ये बात याद रखें कि तमाम के तमाम बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, बल्कि कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स फ्रेंडली हैं जिनको हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल के साथ बात करेंगे। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स डिफाइन अगेन व्हाट इज बायो टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो what is biotechnology? The technology in which living things are used in different ways to help and benefit a human being is called biotechnology. Now students, let's recall some important terminologies from our previous unit, that is relationship between क्रोमोसोम्स। बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि देयर इज़ अ क्लोज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स। क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। दिस इज अ सेल, दिस इज इट्स न्यूक्लियस एंड देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए क्या है? डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। जीन्स क्या हैं? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स इन ऑर्गेनिजम्स। इन ह्यूमन सेल्स देर आर मोर देन 1000 जीन्स ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम्स। अब आपस में डीएनए का, क्रोमोसोम्स का और जीन्स का रिलेशनशिप क्या है? इनका आपस में रिलेशनशिप ये है कि क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। अब जो जीन्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? वो इन डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऊपर
मौजूद होते हैं और जो कि बेसिकली हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं। डीएनए के स्ट्रक्चर में जो कि हम पहले भी पिछले यूनिट में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि दीज आर द बेसिस एंड दीज आर नोन एज द न्यूक्लियोटाइड्स। स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्क्राइब डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? आप सबको याद होगा कि प्रीवियस यूनिट में हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि सेल जो है डिवाइड होने से पहले एक फेज से गुजरता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेज, और उस इंटरफेज में बेसिकली क्या काम होता था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने ही जैसी न्यू कॉपीज़ को प्रोड्यूस करता था। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये न्यू कॉपीज़ बनाना क्यों ज़रूरी हैं? इन न्यू कॉपीज़ को बनाने का मकसद ये है, जैसा कि हमने हेरिडिटी में पढ़ा कि जो भी हेरिडिटी करेक्टर्स होते हैं वो पास ऑन होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब जब डीएनए रेप्लिकेट होकर अपनी ही जैसी नई कॉपीज़ क्रिएट करता है तो उसका मकसद ही ये होता है कि जब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेव रहे और वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रह सके। इसलिए सेल डिवाइड होने से पहले ड्यूरिंग इंटरफेज डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। उस रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि डीएनए अपनी ही जैसी मज़ीद न्यू कॉपीज़ बनाता है। कॉपीज़ का मतलब आपको पता है कि अपने जैसी नकल बनाना, सेम अपने ही जैसी कोई और चीज़ प्रोड्यूस करना, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है इसमें क्या होता है कि डीएनए अपने ही जैसी मज़ीद कॉपीज़ क्रिएट करता है, और इस अमल को, इस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए में ये यूनिक प्रॉपर्टी है कि अपनी ही जैसी कॉपीज़ को डीएनए क्रिएट करता है ड्यूरिंग अ फेज दैट इज़ नोन एज इंटरफेज। और ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है? दैट इज़ डन इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इसीलिए सेल में जो न्यूक्लियस है उसको सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि तमाम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल के फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल ही न्यूक्लियस करता है। नाउ हाउ दिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इज अनवाइंडिंग ऑफ इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स फ्रॉम ईच अदर लाइक द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ। इन फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज इट्स अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब है जैसे हम अक्सर जिप को खोलते हैं और जैसे वो जिप खुलती जाती है, तो इसी तरह से डीएनए, फर्स्ट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन इज इट्स अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग का मतलब है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल एक जिप की तरह। जैसे हम जिप को ओपन करते हैं तो एक एक करके वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर, आपको पता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर एक डबल हेलिक्स की तरह है, तो ये जो इसकी क्रॉसिंग है डबल हेलिक्स, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ये तकरीबन कुछ हमें इस फॉर्म में नज़र आते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसको हम कहते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। और इसकी जो है ये बेसिस, जो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस हैं, ये भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। इन बेसिस का आपको अगर नाम याद होगा तो हम इसको एक दफ़ा से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में फोर काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस भी कहते हैं, जिसमें साइटोसिन इज सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर ग्वानिन, एडनिन एंड थायामिन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, थायामिन, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अब जिस वक्त डीएनए रेप्लिकेट होता है तो ये बेसिस भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं।
इन सेकेंड स्टेप ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड्स प्रोड्यूसेस अ न्यू स्ट्रैंड यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, यही न्यूक्लियोटाइड्स अपने ही जैसी एक और न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस करती हैं। इन दिस वे वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस इट्स आइडेंटिकल एंड टू डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। अब हर डीएनए मॉलिक्यूल में जो है वो एक स्ट्रैंड पेरेंट डीएनए का होता है, और जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो जो न्यू डॉटर डीएनए क्रिएट होता है उसका स्ट्रैंड मौजूद होता है। आप सब लोग अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 34 अगर ओपन करें तो पेज नंबर 34 पर डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है। आप यहाँ पर अपनी बुक में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि ये डीएनए की ये जो अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये इसकी बेसिस हैं, ए एडनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन। एक बात यहाँ पर आपने मुकम्मल तौर पर जहन में रखनी है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपस में एक ख़ास कम्बिनेशन के साथ मिलते हैं, जैसा कि एडनिन जो है वो हमेशा से अपने आप को अटैच करेगा थायामिन के साथ। एडनिन विल ऑलवेज बी अटैच्ड विद थायामिन। एडनिन और थायामिन मिलकर एक अपना पेयर बनाते हैं, इसी तरह से साइटोसिन और ग्वानिन मिलकर अपना एक पेयर बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कि साइटोसिन जो है वो एडनिन के साथ अपना पेयर बना ले या ग्वानिन जो है वो थायामिन के साथ अपना पेयर बना ले। इनके पेयर स्पेसिफिक हैं। साइटोसिन विल ऑलवेज पेयर अप विद ग्वानिन और ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर अप विद साइटोसिन। एडनिन विल ऑलवेज पेयर अप विद थायामिन एंड थायामिन विल ऑलवेज पेयर अप विद एडनिन। जब इनकी न्यू ये न्यूक्लियोटाइड्स क्रिएट करते हैं तो इनका ये कम्बिनेशन चेंज नहीं होता। न्यू न्यूक्लियोटाइड्स में भी कम्बिनेशन यही सेम रहता है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि इसकी जो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसके ये जो लैडर की तरह का स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड्स का, ये यहाँ पर अनवाइंड हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो इसमें एंटर हो रहे हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये अपने आप को यहाँ पर इनके साथ अटैच कर लेंगे। जैसा ये जो रेड है कलर में, ये ओल्ड स्ट्रैंड है डीएनए का, यानी कि इसको हम कहेंगे पेरेंट डीएनए, और ये इसके आगे जो टू न्यू डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस हुए हैं ये ब्लू कलर में, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच हुई है, ये इसके ये दो दूसरे न्यू स्ट्रैंड्स हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, अनवाइंडिंग के बाद जब न्यू न्यूक्लियोटाइड इसमें शामिल होगा तो ये अपने जैसी ही एक नई कॉपी बनाएगा। ये सेम अपने ही जैसी कॉपी क्रिएट करते हैं ताकि नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो सके। हमारे आज के लेक्चर में हमने दो मेन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की। नंबर वन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमने बात की और रिलेशनशिप बिटवीन जीन क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको किसी किस्म की भी कोई डिफ़िकल्टी है तो हमारा जब डिस्कशन सेशन होगा तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट किया करें, क्वेश्चनिंग किया करें। और नेक्स्ट टाइम से स्टूडेंट्स ऐसा होगा कि मैं आप लोगों की कॉपीज़ भी चेक करूँगी, स्पेशली बॉयज़, क्योंकि बॉयज़ जो हैं वो इतना ख़ास अपने लेक्चर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और गर्ल्स की भी कॉपी चेकिंग करूँगी मैं ऑनलाइन, और इसके साथ साथ जो है वो मैं आपसे जो भी लेक्चर होगा उसके बारे में क्वेश्चनिंग भी करूँगी, आपसे पूछूँगी कि आपने अगर पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो आप मुझे उसके बारे में छोटे छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूँगी और आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। ये आप बेटा आप लोग अपनी क्लासेस को बहुत ध्यान से अटेंड करें और इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें, और लेक्चर को जस्ट एक ही दफ़ा सुन के आप ये मत करें कि हमें तो समझ नहीं आ रहा। आप इसको कम से कम 2 से 3 मर्तबा सुने, उसके बाद आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो आपका जो होमवर्क है आज के लिए वो आपने डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसका जो प्रोसेस है पूरे का पूरा उसको लर्न करना है, और इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है
वो आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करनी है। आई होप दैट यू विल डू योर वर्क वेल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।